समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में आज सड़कों पर साइकिल दौड़ी। माना जा रहा है कि जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर साइकिल रैली कर अखिलेश ने 2022 का शंखनाद कर दिया है। अखिलेश के शंखनाद पर सुल्तानपुर जिले में भी सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाल सरकार की नीतियों और कार्यशैली का विरोध किया। इस मौके पर इसौली विधानसभा में सपा नेता मिर्जा इशराक बेग की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता साइकिल रैली में शामिल हुए। मिर्जा इशराक बेग ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए उनकी नीतियों का विरोध किया। हम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का के निर्देश पर और ये जनेश्वर मिश्र जी की आज जन्मदिन है उसके अवसर पर जो हम लोग ये साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं उसका उद्देश्य है जो जन विरोधी जो ये सरकार है उसके खिलाफ ये जन आंदोलन की शुरुआत है। ये 2022 में हम लोग इसको उखाड़ फेंकने के पोजिशन में आ रहे हैं और ये पूरी ताकत से जो आज ये बेरोज़गारी भ्रष्टाचार महंगाई पेट्रोल का दाम बढ़ता चला जा रहा है डीजल का दाम बढ़ रहा है रसोई गैस का दाम बढ़ रहा है माननीय आजम साहब को ये देखिए 1.5 साल से अलोकतांत्रिक तरीके से बंद करके रखे हुए हैं कोई सुनवाई नहीं है। इन सब मुद्दों को उठाने के लिए हम लोग ये साइकिल यात्रा कर रहे हैं। मिर्जा इशराक बेग इसौली विधानसभा से सपा के टिकट के प्रबल दावेदार हैं। सूत्रों की माने तो इसौली में सरल और बेदाग छवि के मिर्जा साहब को जनता इस बार विधायक बनाने की तैयारी में है। तो वहीं सुल्तानपुर से पूर्व सांसद रहे मोहम्मद ताहिर खान ने भी साइकिल रैली निकाली और सरकार पर जमकर हमला किया। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लोगों के दर्द को समझते हैं और उस दर्द के तहत हमेशा हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज तहसील स्तर पर हम लोग साइकिल चला के 17 किलोमीटर खुद मैंने चलाई है और मैंने देखा कि जब मैंने लवर दक्षिण से निकला और जगह जगह लोग रोक के स्वागत कर रहे थे और इतना उत्साह था लोगों में, इतनी मोहब्बत थी अखिलेश भैया के लिए और हम लोगों ने भी जो वर्क किया है पहले उसकी इतनी चाहत है। कहीं से कुछ चूक हुई जो है पिछली बार, मगर इस बार कहीं से लोग चूकेंगे नहीं, दबा करके वोट देंगे। दबा कर ऐसा कुछ नहीं, आप खुद देखिए कि मुसलसल किस कोई ऐसा महीना नहीं गया होगा जिसमें अखिलेश भैया के आह्वान पर हम लोगों ने दो तीन बार डीएम को एसडीएम को ज्ञापन देने का काम किया, घेरने का काम किया, प्रशासन को घेरने का काम किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का काम किया। और यही नहीं, बड़े पैमाने पर हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ से लेके और जिले के सारे नेता हमारे संगठन के कार्यकर्ता सारे हम लोगों ने हर लड़ाई लड़ने का काम किया अखिलेश भैया के हमने। इसौली विधायक अबरार अहमद ने साइकिल पर सवार होकर साइकिल यात्रा निकाली और योगी सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर गरीबों पर अन्याय और अधिकारियों की मनमानी बंद नहीं हुई तो जल्द ही कुछ बड़ा होगा। ये कार्यक्रम गरीबों पे अत्याचार हो रहा है, अधिकारी कर्मचारी ब्लॉक होकर लूट रहे हैं, इसको बंद कराने के लिए कार्यक्रम किया गया है और अगर इस पे नहीं अमल किया अधिकारियों ने तो इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। जरूर संदेश देना चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करें और अगर महंगाई में व्यापारी मनमाजी रहेगा तो उसको भी लुटवा लिया जाएगा। जैसे कि हम लोग इमरजेंसी में लूट लेते थे उसे लूटा जाएगा तब शुरू हो जाएंगे। इमरजेंसी में जो आया था तो हम लोग जो ज़्यादा ठीक हो जाएंगे। वो सरकार है, हम जनता हैं, जनता बनाती है सरकार, बिगाड़ती सरकार, सरकार बिगाड़ा नहीं बनाया जा रहा है, अपने 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 उनको गुंडों को बनवा के भिजवा रहे हैं। कोई सरकार का आदमी नहीं है उनमें, ना जनता का आदमी है, उनका भाजपा के दलाल आदमी बैठा है वहाँ फ्री में। उनके बाप क्या है, जनता पैसा किसको दे रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में साइकिल और लाल टोपी का जलवा कायम रहा। अखिलेश की साइकिल रैली 2022 में सपा को कितना फायदा देती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सुल्तानपुर से सुजीत कसौधन की रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।